हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आपार फर्नीचर्स में। तो मैं आज आपको बताऊंगा हीटेक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले तो सबसे अच्छा पहले उसे घोल लेना है। जब तक ये लाल रंग का है, जब तक पीले रंग का नहीं हो जाता है, तब तक अच्छे तरीके से इसे घोल लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, हम इसे अच्छे तरीके से घोल रहे हैं यहाँ पर, जब तक येलोइश नहीं हो जाता है, पूरी तरीके से पीला नहीं हो जाता है अंडे के जैसा। तो इसे घोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कम से कम एक से आधे मिनट तक इसे अच्छे तरीके से घोल लेना है, एकदम अच्छे तरीके से, वरना अच्छे से चिपकेगा नहीं। पूरा प्रोसेस मैं वीडियो में बताऊँगा कैसे चिपकाना है। तो ये देख पा रहे हो, पहले लैमिनेट पे इसे कंघी से अप्लाई करना है, मतलब जो लाइन बना हो, या तो आप लैमिनेट में कंघी बना सकते हो या तो प्लास्टिक का कंघी यूज़ कर सकते हो जो कंपनी देती है। तो यहाँ पर हम लैमिनेट पर इसे अप्लाई कर लेते हैं इक्वल अच्छे तरीके से। तो ये हम पैड बना रहे हैं, तो दोनों साइड में इसे लैमिनेट लगाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक लैमिनेट पे एक तरफ अप्लाई कर लिया है। हम दूसरे पीस पे इसे अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी हम इसे अप्लाई कर लेंगे, लगा लेंगे अच्छे तरीके से कंघी से। लगाने के बाद से थोड़ा सा और बाकी है, हम दोनों लैमिनेट पे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। ये तो ये लग चुका है लैमिनेट के ऊपर। अब हमें जिस फर्स्ट सरफेस पे चिपकाना है, मतलब जिस जगह पे चिपकाना है, वहाँ पे भी ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने टुकड़ा ऑलरेडी काट रखा है, इस पर भी अप्लाई कर लेंगे हीटेक्स। और एक चीज़ और, हीटेक्स यूज़ करते वक्त जो धार बचता है उस पर फेविक्विक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि अच्छे तरीके से चिपक पाए। तो ये हम प्लाई पर भी अच्छे तरीके से इसे अप्लाई कर लेते हैं। कंघी से तो ये हमारा पहला सरफेस अप्लाई हो चुका है। अब इसे पलट के हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे हीटेक्स को। इसे SR भी बोला जाता है, सिंथेटिक रबर एडहेसिव। तो ये पलट लिया है हम लोगों ने, अब इस साइड भी अप्लाई कर लेंगे एडहेसिव को। तो यहाँ पे हमने हीटेक्स ले लिया है, तो यहाँ पे अप्लाई अभी कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हम लोग बहुत ही मेहनत से वीडियो को बनाते हैं, शूट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपने पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारा, जो वीडियो गोल कैसे काटे प्लाई को, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब हमें कम से कम इसे 15 मिनट सूखने के लिए रखना पड़ेगा। सूखने के बाद से हम दोनों लैमिनेट यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। दूसरे साइड भी हमने लैमिनेट रख लिया है। अब इसे सबसे मेन पॉइंट जो SR लगाते हैं, तो घसना पड़ता है। तो बहुत लोग हथौड़ी से ठोकते हैं, तो ठोकने से अच्छा घसना होता है। अगर हम प्लाई की सहायता से इसे वर्टिकली घस ले, मतलब एक साइड से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो घसने से बहुत ही अच्छा चिपकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से प्रेशर डाल के घस लिया। आप चाहें तो कपड़ा लपेट के भी प्लाई के अंदर घस सकते हो, जिससे अच्छा ग्रिप मिलेगा, जिससे छूटेगा नहीं जॉइंट। तो ये आप देख पा रहे हो, हम इसे अच्छे तरीके से घस दिया, और आप देख सकते हो अच्छे तरीके से हमारा लैमिनेट पेस्ट हो चुका है। देख सकते हो आप दोनों साइड एकदम बेस्ट। तो हीटेक्स यूज़ करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बता।